हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत सारा कमेंट आ रहा था और बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि हॉलेज से रिलेटेड वीडियो लाइए, एक ऐसा वीडियो लाइए जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन के जरिए हॉलेज को कवर कीजिए, साथ ही साथ वाइंडिंग का वीडियो लाइए। तो हॉलेज का वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस को अगर आप कर लीजिएगा तो आपका हॉलेज चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, चाहे आप पाइनिंग सरदार टीजीएमएस वाला एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप WCL की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर ओवरमैन की तैयारी कर रहा हूँ। आप सभी के लिए ये यूज़फुल होगा और SMC FMC वाले भी देख सकते हैं इसको, आपके लिए भी यूज़फुल है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पे आना पड़ेगा, MINING माइनिंग ACADEMIC.com MINING.com पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और माइनिंग सरदार का जो पोर्टल आएगा इसमें रीड मोर में पहले क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें माइनिंग सरदार में जब क्लिक कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन खुल जाएगा, जैसे हॉलेज कंप्लीट एमसीक्यू मैं डाला हुआ हूँ, इसके बाद कोल माइंस रेगुलेशन का मैं क्वेश्चन डाला हुआ हूँ, इसमें कुछ इसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ ऑलरेडी माइनिंग सरदार का, हॉलेज से रिलेटेड पूरा चैप्टर का क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद कोल माइंस रेगुलेशन का डेफिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी है, इसका आंसर की भी अवेलेबल है। उसके बाद माइन एंड वेंटिलेशन का भी पूरा है, मीथेन का पूरा है, वेंटिलेशन में खैर और भी आएगा, जनरल एटमोसफेयर से रिलेटेड है, सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सब है, मेथड ऑफ वर्किंग प्लस डेवलपमेंट, ये सभी चैप्टर के क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अभी हम लोग चलते हैं हॉलेज का एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ और एक एक को डिस्कस करते हैं। हालांकि अभी इसका आंसर की मैंने नहीं डाला है बट बहुत जल्दी मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो हॉलेज का जो एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टर ऑफ हॉलेज के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, लोल करते समय इंजन बंद रखा जाता है, ढाल की ज़रूरत पड़ती है, एक सिरा में टब और दूसरा सिरा में ड्रम जुड़ा हुआ रहता है, या फिर ऑल ऑफ दिच। तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट ऑफ हॉलेज एक ऐसा हॉलेज होता है जिसमें एक सिरा जो होता है इसमें टब को कनेक्ट करते हैं और दूसरा सिरा में ड्रम कनेक्टेड रहता है और इसके बाद इसको हम लोग लोल हाबिस करते हैं, यानी कि लोल मतलब लोअरिंग करते हैं। तो जब हम लोग लोअरिंग करते हैं तो इसका इंजन को ऑफ कर देते हैं और सिर्फ क्लच का मदद से हम लोग पूरा इंजन पूरा का पूरा टब का सेट को जहाँ तक पहुँचाना है लोअर पॉइंट तक वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसके बाद इसके लिए हम लोग को एक समानांतर ग्रेडियंट का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिच, ठीक है। तो वन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडलेस हॉलेज के लिए कौन सा कथन सही है, रॉप इंडलेस होता है, फ्लेटिंग पुली यानी जिसको क्लिफ्टन पुली बोलते हैं इसी सिस्टम में रहता है, कम ढाल की इसी सिस्टम में रहता है, या फिर ऑल ऑफ दिज। तो इंडलेस हॉलेज एक्चुअली ऐसा हॉलेज होता है जिसका कोई इंड नहीं होता है, ठीक है। इंड नहीं होता है मतलब कि पूरा का पूरा ऐसे करते हुए एक लूप बना लेता है जिसमें एक साइड में पुली लगा रहता है, इसको हम लोग क्लिफ्टन पुली बोलते हैं, और दूसरा साइड में मेरा ड्रम से वो पूरा का पूरा रस्सा कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इससे इंडलेस हॉलेज बनता है ना, और कम ढाला वाला जगह पे हम लोग इंडलेस हॉलेज लगाते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। तो टू का भी डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेन एंड टेन रॉप हॉलेज के लिए कौन सा कथन सही है, दो सेपरेट ड्रम लगाए जाते हैं, एक ड्रम गियर में हो तो बाकी साफ्ट में फ्रीली घूमता है, सिर्फ एक ट्रैक की जरूरत होती है, या फिर ऑल ऑफ दिज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिज, यानी कि दो ड्रम इसमें लगता है और दोनों सेपरेट ड्रम लगता है, एक खींचने का काम करता है मतलब एक ऊपर उठाने का और एक नीचे खींचने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद एक ड्रम गियर में हो तो बाकी साफ्ट में फ्रीली मूव करता है, ठीक है। मतलब दो ड्रम इसमें बेसिकली लगा होता है, बेसिकली अगर इसका डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें टोटल दो ड्रम लगा हुआ रहता है, ठीक है, और बीच में टब का सेट पूरा कनेक्टेड रहता है इसी में, ठीक। इसके बाद मान लीजिए ये आपका लोअर सेक्शन है नीचे वाला तरफ और ये है ऊपर सेक्शन, तो अपर सेक्शन वाला ड्रम जब काम करेगा तो ये वाला बंद रहेगा, ठीक है, ये फ्रीली मूव करेगा, और अगर लोअर सेक्शन वाला ड्रम काम करेगा तो अपर वाला बंद रहेगा। तो बेसिकली इसको हम लोग मेन एंड टेल रॉप हॉलेज बोलते हैं, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दिच। अगला क्वेश्चन है, ग्रेविटी हॉलेज के बारे में कौन सा कथन सही है, कोई मोटर और पावर की ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ एक्टिंग इनक्लाइन भी कहा जाता है, ऑडिट में लगाया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दिच। तो सबसे पहले मैं आपको ऑडिट के बारे में बता देता हूँ कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें अगर कोई मिनरल हो या कोल का डिपॉजिट हो तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे हॉलेज लगाते हैं जो कि एक ढलान में होता है, ठीक है, और इसी हॉलेज को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी हॉलेज,
ठीक है। इसमें बेसिकली दो अलग अलग रास्ते होते हैं, ट्रैक लाइन होते हैं, और चूंकि दोनों ढलान की तरफ होता है तो एक में जब आप मटेरियल डालते हैं, एक टब गाड़ी में जब मटेरियल भरा हुआ रहता है और दूसरा टब गाड़ी खाली रहता है, ठीक है, तो जब मटेरियल भरा हुआ रहता है वो ऑब्वियस ही बात है ग्रेविटी के कारण बहुत नीचे जाएगा, तो जैसे ये नीचे जाएगा तो खाली वाला टब पूरा ऊपर चढ़ जाएगा दंदना के, तो खाली टब ऊपर चढ़ गया तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, एक एक टब को भर दिया जाता है और भरने के बाद फिर वापस से कनेक्ट करके नीचे छोड़ा जाता है, तो जो वाला फिर भरा हुआ है और ये नीचे वाला तब तक खाली कर लिया जाता है। तो इसी तरह से काम करता है पूरा का पूरा ग्रेविटी हॉलेज, इसमें मोटर का ज़रूरत नहीं पड़ता, पावर का ज़रूरत नहीं पड़ता, हालांकि ब्रेक क्लच सिस्टम रखा जाता है बट ज़रूरत नहीं पड़ता, तो इसमें भी हो जाएगा ऑल ऑफ दिच। फिफ्थ क्वेश्चन है, डायरेक्ट रॉप हॉलेज में इनमें से कौन संबंधित है, सिंगल ड्रम रॉप हॉलेज, डबल ड्रम रॉप हॉलेज, बोथ या फिर सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन। जी हाँ, तो इसका हो जाएगा बोथ, क्योंकि डायरेक्ट रॉप हॉलेज में दो तरीके होते हैं, सेल्फ ड्रम रॉप हॉलेज सिंगल वाला और डबल वाला दोनों सिस्टम होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सिस्टम में टब लोल करते समय यानी लोअरिंग करते समय इंजन बंद रखा जाता है, डायरेक्ट रॉप हॉलेज, इनलेस रॉप हॉलेज, मैन एंड टेल हॉलेज, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसका अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता चुका हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, हॉलेज रोडवे कितने नंबर रेगुलेशन में दिया गया है, तो रेगुलेशन नंबर 92 में हॉलेज रोडवेज के बारे में दिया गया है और 93 में ट्रैवलिंग रोडवे के बारे में दिया गया है, तो हॉलेज रोडवेज से रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो 92 है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग रोडवे कितने नंबर रेगुलेशन में दिया गया है, तो वो मैंने जैसे अभी बताया 93 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलेज रास्ते में स्टॉप ब्लॉक से रनवे स्विच के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन है 10 मीटर, 20 मीटर, सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर या फिर सेट ऑफ प्लस 20 मीटर। देखिए, स्टॉप ब्लॉक के बारे में मैं बता देता हूँ सबसे पहले, तो जैसे रेलवे का फाटक होता है, आप ट्रेन पार्क जब ट्रेन आता है तो रेलवे का फाटक लग जाता है, बस इसी तरह से जो इंक्लाइन होता है हमारा, जो भी माइंस का प्रवेश द्वार होता है उसी के बाहर में एक फाटक जैसा लगा रहता है। जब टब गाड़ी ऊपर में रहता है, ठीक है, तो गलती से अगर रस्सा टूटे या एक गाड़ी छूट जाए तो उस कारण ट्रैक में वो जाके अंदर घुस ना जाए, इसीलिए स्टॉप ब्लॉक लगाया जाता है, जो कि एंट्रेंस में ही, जो माइंस का एंट्रेंस है उसी में लगाया जाता है और वहाँ उसको रोक लेता है। साथ ही साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब प्रवेश करते हैं तो उस टाइम भी लगाया जाता है। और रनवे स्विच का मतलब होता है कि बेसिकली आप देखे होंगे कि जब पटरी होता है आपका, रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, रेलवे ट्रैक से एक कांटा कनेक्टेड रहता है और ये लीवर के जरिए ऑपरेट होता है, ठीक है। ड्राइंग मेरा बहुत ख़राब है, हम जान रहे हैं आपको, लेकिन कोई बात नहीं। अगर लीवर को खींचेंगे तो ये पटरी यहाँ से हट जाएगा, तो फिर जो पटरी हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो जिसके कारण पटरी ब्रेक हो जाता है और जो टब गाड़ी है वो यहीं पे उलट जाता है, तो इसका हो जाएगा सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर। अगला सवाल है, हॉलेज रास्ते में टब रिलेलर कितनी दूरी में लगाया जाता है, 30 मीटर, 100 मीटर, 250 मीटर या 300 मीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250 मीटर। जी हाँ, 250 मीटर। आप अगर 300 मीटर सोच रहे हैं तो 300 मीटर कुछ और चीज़ है, टेलीफोन सिस्टम वाला है वो, है ना, उस पर भी आते हैं। अगला सवाल है, हॉलेज रास्ता कितना लंबा होने पर उसमें सिग्नलिंग अरेंजमेंट लगाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसका हिंट मैं दे देता हूँ कि 300 मीटर तो खैर टेलीफोन वाला था, 250 तो आप अभी पढ़वे किए, 100 मीटर तो कुछ और है, और बचा बाकी 30 मीटर, तो 30 मीटर ही होगा इसका, कि नॉर्मली सिग्नलिंग वायर जो होता है वो 30 मीटर अगर लंबा हो गया आपका हॉलेज रास्ता, जब हॉलेज रास्ता बना रहे हैं 30 मीटर से ज़्यादा गहरा हो गया, उस कंडीशन में आप सिग्नलिंग अरेंजमेंट लगाते हैं, उससे कम रहता है तो वर्बली कम्युनिकेट किया जाता है या फिर अलग अलग टाइप का लाइट रखा जाता है, लाल वाला, हरा वाला, वाइट वाला टॉर्च, ऐसे करके काम होता है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें एक और सवाल है आपसे, बताइएगा हॉलेज रास्ता में जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट है वो इंट्रेंसिकली सेफ है, फ्लेम प्रूफ है, बोथ या फिर नन, बताइएगा, ठीक है, हो सकता है आगे क्वेश्चन आए। अगला सवाल है, हॉलेज रास्ता कितना लंबा होने पर उसमें टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाता है, टेलीफोन लगाया जाता है, तो इसका भी आंसर नहीं, इसका मैंने नहीं बताया है, एक्चुअली 300 मीटर से ज़्यादा लंबा अगर हो जाता है हॉलेज रास्ता तो उस कंडीशन में आपको टेलीफोन वायर, जो यानी कि दो टू वे कम्युनिकेशन हम लोग बोलते हैं, टेलीफोन सिस्टम लगाना पड़ता है। अगला सवाल है, हॉलेज रास्ते में लगाया गया सिग्नलिंग अरेंजमेंट कितना वोल्ट तक बिजली पास करेगा, तो
30 वोल्ट, 100 वोल्ट, 250 वोल्ट या 125 वोल्ट, तो इसका हो जाएगा आंसर 30 वोल्ट। 30 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी ही पास करता है सिग्नलिंग अरेंजमेंट। तो अगला सवाल है, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, हॉलिज सिस्टम में लगा सिग्नलिंग अरेंजमेंट इनमें से क्या है, इंट्रिंसिकली सेफ है, फ्लेम प्रूफ है, बोथ है या फिर नन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। अब पर्टिकुलर वर्ड लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा। मैं आजकल सबका देख रहा हूँ कमेंट, सबका कमेंट देख रहा हूँ और आप देख रहे होंगे, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। खैर तो इसका आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं एक हिंट दे देना चाहूँगा कि कैपलेम का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कि कैपलेम दोनों में से कुछ नहीं होता है, ठीक है, हॉलिज सिस्टम का बात कर रहा हूँ कि जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, मेन होल रास्ते में लगाया जाता है, अगर ग्रेडियंट 1:16 से अधिक हो, मतलब उसे ज़्यादा इंक्लाइन हो, तो मेन होल के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर, 20 मीटर, 150 मीटर, 250 मीटर। तो अगर देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, अगर 1:6 इंक्लाइन से ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा तीखा हो, तो 10 मीटर दूरी पर रखते हैं। अगर ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा, ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएगा, तो आप कम दूरी पर मेन होल बनाते हैं। और अगर समतल ज़मीन हो थोड़ा सा, मतलब 1:6 से कम ग्रेडियंट होता है, उस कंडीशन में आप 20 मीटर पे मेन होल को लगाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, मेन होल का आकार, हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, यानी कि ऊंचाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई, ये कितना होगा। तो 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर, 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1.8 मीटर, 1.8 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1.2 मीटर। तो चूंकि हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ बोला है, तो हाइट हो जाएगा 1.8 मीटर, विड्थ हो जाएगा 1 मीटर और डेप्थ हो जाएगा 1.2 मीटर। तो यहाँ पे आंसर चूंकि 0.75 से 1 मीटर नहीं दिया है, इसलिए 1 मीटर ही दिया है, तो 1 मीटर मानेंगे। तो इसका हो जाएगा सी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग रोडवे का मिनिमम हाइट एंड विड्थ क्या होता है। तो ट्रैवलिंग रोडवे यानी जो उसमें आप ट्रैवल करते हैं, उसका जो नॉर्मल हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, वो 3 मीटर होता है, मैक्सिमम चौड़ाई 4.8 मीटर होता है, ठीक है। तो जो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन हम चूंकि मिनिमम पूछे हैं, तो मिनिमम हाइट हो जाएगा 1.8 मीटर, चौड़ाई यानी विड्थ हो जाएगा 1.5 मीटर। और एक यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, हाइट 1.8 मीटर, विड्थ 1.2 मीटर। तो आप में से कोई कमेंट करके बताइएगा कि ये किसका विड्थ था। 18 नंबर क्वेश्चन में जो सी सेक्शन है, सी वाला ऑप्शन है, हाइट 1.8 मीटर, विड्थ 1.2 मीटर, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किसका डायमेंशन दिया हुआ है। अगला सवाल है, दो टब के बीच की दूरी, यानी हैंड ट्रामिंग को छोड़ के, नॉर्मली बोल पूछ रहे हैं हम कि हैंड ट्रामिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो दो टब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रहता है। बट अगर आप हैंड ट्रामिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में डायमेंशन चेंज हो जाता है, आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। हॉलेज रस्सी का रीकैपिंग कितने समय अंतराल पे होता है, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना या फिर 1 ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। हॉलेज का रस्सा जो होता है, उसका रीकैपिंग हम लोग 6 महीना में करते हैं। हॉलेज रस्सी के फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना गुना होता है, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 11, 10 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना होता है हॉलेज रस्से का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अलग टॉपिक चाहिए क्या। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में मैं जितना भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है सबको डिस्कस कर दूंगा एक ही वीडियो में। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी ऐसे बहुत सारा वीडियो और भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगर ट्रेवलिंग रास्ते की इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से अधिक हो, तो उसमें क्या व्यवस्था किया जाएगा। 30 डिग्री से ज़्यादा अगर इंक्लाइन हो, तो क्या व्यवस्था करते हैं हम लोग। फ्लोर काट के सीढ़ी बनाया जाता है, सीढ़ी के बगल में हैंड रेल लगाया जाता है, हैंड रेल के अलावा 10 मीटर पर प्लेटफॉर्म रहेगा, या 30 मीटर तक ट्रैवलिंग रास्ता इंक्लाइन नहीं रह सकता है। तो देखिए, 30 मीटर से अधिक इंक्लाइन अगर हो गया, तो आपको सीढ़ी बनाना है। वही अगर 45 मीटर से ज़्यादा इंक्लाइन हो गया, तो उस कंडीशन में आपको हैंड रेल भी लगाना है सीढ़ी के साथ ही। सीढ़ी तो बनाना ही है, साथ ही हैंड रेल भी लगाना। और वही अगर 60 मीटर हो जाता है, तो सीढ़ी तो बनाना ही है, हैंड रेल यानी पकड़ पकड़ के चलने वाला वो तो लगाना ही है, 10 मीटर के इंटरवल पे आपको प्लेटफॉर्म बनाना है, जहाँ में आदमी रुक सके, बैठ के सुस्ता सके, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग रास्ते का इंक्लाइनेशन कितना से अधिक नहीं रखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन ट्रैवलिंग रास्ता का कभी भी नहीं रखा जाएगा। तो 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और बाकी क्वेश्चंस यहाँ वेबसाइट में है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वेबसाइट में क्लिक करेंगे और जैसे मैंने दिखाया आपको, माइनिंग सरदार सेक्शन में क्लिक करके आप जो चाहे क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका आंसर की शायद नहीं डाला होगा, मैं डाल दूंगा बहुत जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।